जहां पर सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो का निर्माण होगा बहुत जल्द पूरी मैनिफेस्टो कमेटी के अलग अलग सब कमेटीज बनाकर संभाग और जिले में जाकर वहाँ संवाद करेंगे सभी स्टेक होल्डर्स से, और जिले में संभाग में किसान, नौजवान, दुकानदार, स्टूडेंट्स, इन सब लोगों की राय लेने के बाद मैनिफेस्टो कमेटी को ये सब कमेटीज अपनी राय प्रस्तुत करेंगी और उसके पश्चात हम लोग अपना एक पीपल्स मैनिफेस्टो का निर्माण यहाँ करेंगे। बीजेपी की तरह जुमले देकर या आंकड़ों के जाल में फंसा कर या झूठे वादे कर हम जनता का वोट नहीं लेंगे। हम लोग वास्तविकता और हकीकत जो है और जो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने के समय तुरंत प्रभाव से इम्प्लीमेंट करेगी, उन्हीं बातों को अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। जनता की बहुत उम्मीद आज कांग्रेस पार्टी से और पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि हमारे मैनिफेस्टो में कांग्रेस की तरफ से हम लोग किस प्रकार के भिन्न भिन्न वादे करेंगे, तो उस पर आज विस्तार से चर्चा भी हुई है। उसके बाद हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और हम लोगों ने कैंपेन के लिए भी हमारे सातों संभागों के अंदर हम लोग सेंटर्स बनाएंगे ताकि कैंपेन का, मीडिया का और मैनिफेस्टो का तमाम काम हम डिसेंट्रलाइज करें। हर संभाग के स्तर पर हमारे नेता, हमारे वक्ता, प्रवक्ता सब वहाँ पर जाएंगे और लगातार अब से लेके चुनाव के समापन तक हम लोग अपनी बात को कैंपेन के माध्यम से, कैंपेन कमेटी के सभी सामान्य सदस्यों के माध्यम से पूरे प्रदेश में लेकर जाएंगे। बीजेपी को पूरी तरह एक्सपोज करना, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड हम लेकर आएंगे जनता के बीच में आंकड़ों के साथ, और जो बीजेपी ने कहा 2013 दिसंबर में और 5 साल तक लगातार जो विश्वासघात किया उसका मुद्दों के साथ और आंकड़ों के साथ जनता के पास ले जाने का काम हमारी कैंपेन कमेटी करेगी, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम नेता करेंगे। और हम लोगों ने इस बात पर भी निर्णय लिया है कि दशहरे के तुरंत बाद 21 तारीख को इतवार है, 21 तारीख के दिन संपूर्ण राजस्थान के अंदर 51,000 हमारे बूथ हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर हम एक नारा लेकर जा रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ, बूथ जिताओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। भाजपा के पाप के घड़े के भरने के बाद भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बूथ पर जीतेगी, तो बूथ जिताओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, इस नारे के साथ 21 अक्टूबर को संपूर्ण प्रदेश में एक साथ हम लोग 11 बजे तमाम पंचायत हेडक्वार्टर के माध्यम से हर बूथ तक पहुंचकर इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और आज लगभग सभी प्रदेश के नेता इसमें इन्वॉल्व रहे। मीटिंग्स बहुत लंबी चली लेकिन मुझे खुशी है, एक बड़ी सार्थक चर्चा हुई, सबके व्यूज़ हम लोगों ने सुने और कई ऐसे इनपुट्स हम लोगों को मिले हैं जो हमारे आने वाले 50 दिन की जो रणनीति है उसका हम लोग उसमें पालन करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे मीडिया कमेटी चेयरमैन हैं रोहन गुप्ता जी, जो दिल्ली से AICC से हमारे यहाँ नियुक्त किए गए हैं, पवन खेड़ा साहब और रोहन गुप्ता जी, ये हमारे मीडिया को पूरा इनकी देखरेख में चलाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, हर जगह हमारा नैरेटिव एक रहे, हमारा टेम्पलेट एक रहे और हम लोग जो कांग्रेस पार्टी की सोच है भिन्न भिन्न मुद्दों पर उसमें एक तरीके से एक समानता के साथ, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ लोगों तक लेकर जाएंगे। कुछ प्रशिक्षण भी होंगे, रोहन गुप्ता जी, पवन खेड़ा जी कल भी एक मीटिंग करेंगे चेयरमैन साहब और अर्चना जी की अध्यक्षता में कल 11 बजे। इसके अलावा सभी नेताओं ने बात को रखा और हमारे तीनों चारों सेक्रेटरीज आज मौजूद थे, तरुण जी, बंसल साहब, देवेंद्र साहब और काजी जी, सब ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं, कमेटीज़ ने अपना काम कल से चालू करने की बात रखी है और सभी लोग बड़े उत्साहित हैं कि हम बीजेपी को बुरी तरह पिछाड़ेंगे और एक किसानों की, गरीबों की, आम व्यक्ति की, नौजवानों की एक सरकार का निर्माण राहुल जी के नेतृत्व में राजस्थान में करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अब अविनाश पांडे जी को बोलूँगा, वो प्लीज़ बात करूँगा। हनुमान जी, सचिन जी, आप हमारी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भाई शर्मा जी, मीडिया कमेटी के अध्यक्ष भाई गोविंद दासरा जी, रोहन गुप्ता जी, हमारे मोदी जी, अर्चना जी, तरुण कुमार जी, विवेक बंसल जी, देवेंद्र कुमार जी, काजी साहब, साथियों, आज जैसा कि आदरणीय PCC अध्यक्ष सचिन जी ने कहा कि आज की कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ हमारे साथ विभिन्न चुनाव संचालन समितियों का आज बहुत ही गंभीरतापूर्ण जो चर्चा हुई और उस चर्चा का क्या सार निकला,
वो आपको सचिन जी ने बड़े विस्तार में बताया। एक ही चीज पूरे राजस्थान के अंदर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश आज इस मीटिंग के माध्यम से जो गया है वो ये है कि इस चुनाव को संचालन के लिए जिन जिम्मेदार योग्य और अनुभवी नेताओं को ये कर्णधार ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आज बहुत ही गंभीरता के साथ में उन्होंने अपने सुझाव और आने वाले इस 50 दिनों में कांग्रेस की हमारी रणनीति क्या होगी अलग अलग स्तर पर उसका बड़े विस्तार से हर एक ने अपने सुझाव दिए। इन समिति का आगे भी विस्तार में चर्चा होगी और इसका अमल जो है आने वाले दिनों में पहला कार्यक्रम जो हमारा संकल्प का कार्यक्रम है जिसका संदेश माननीय राहुल गांधी जी ने राजस्थान में 11 अगस्त को जयपुर से दिया था उसी संकल्प को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान के 51,000 बूथों पर जाकर एक संकल्प लेकर अपने बूथ को जिताकर बूथ जिताओ भ्रष्टाचार हटाओ इस नारे को लेकर हर बूथ स्तर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये कार्य को 21 अक्टूबर को इसका अमल करें। और एक चीज़ की मैं जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी इस महीने के ही तीसरे सप्ताह में राजस्थान के अपने दौरे पर इस संकल्प यात्रा की कड़ी के रूप में आ रहे हैं। हम सब वे सभी से उनका इंतजार करते हुए और आने उनके आने की तैयारी में पूरे कार्यकर्ता जिस जिस क्षेत्र में वो जाएंगे इसकी विस्तार से जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दी जाएगी। लेकिन इस यात्रा चुनाव की घोषणा के बाद पिछले दिनों एक यात्रा जो उनकी हुई उसी के एक कड़ी के रूप में ये यात्रा होगी जहाँ पर लोगों के साथ में जनसंपर्क का कार्यक्रम करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी वो संवाद करें। इतना कहते हुए इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आज पूरे राजस्थान की जनता कांग्रेस की ओर बड़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। मैनिफेस्टो कमेटी के बारे में आपको बताया, हमारा जो संकल्प पत्र है वह संकल्प पत्र भी बहुत जल्दी ही लोगों की मांगों को लेकर और जो लोग चाहते हैं जैसा सचिन जी ने कहा ये एक लोगों का मैनिफेस्टो होगा जो राजस्थान के विकास के लिए और राजस्थान में किसानों के लिए बेरोजगारों के लिए हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए से लेकर हमारे नौजवान साथी और हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को एक अच्छी नीति लेकर सामने आ रहा है। आज के इस कार्यक्रम के बाद में हमारे जो चयन समिति हैं उनका भी कार्य साइमल्टेनियसली चालू है और बहुत जल्द ही अच्छे उम्मीदवारों की लिस्ट भी घोषित की जाएगी जिसको पिछले दिनों में हमारी जो चयन समिति है कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में उनके चेयरमैनशिप में वो भी अपना कार्य कर रही है और बहुत जल्द ही यहाँ पर जो कार्य आज यहाँ शुरू हुआ है चुनाव का पूरे जोर शोर के साथ में आने वाले दिनों में पूरे विश्वास के साथ में एक मजबूत कांग्रेस सरकार हम राजस्थान को देंगे। एक तरफ पीसीसी की तस्वीरें हैं जहां पर मीडिया से मुखातिब हुआ जा रहा है और दूसरी ये तस्वीर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। अशोक गहलोत अपने निवास पर है जहां कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जो टिकट के दावेदार यहां पर जता रहे हैं या फिर कहें कि अपने नेता की पैरवी करने के लिए अशोक गहलोत से मिलने यहां पर पहुंचे हैं। इसका दूसरा नजरिया समझिए, एक तरफ पूरी कांग्रेस पीसीसी के अंदर मीडिया से मुखातिब हो रही है, उनसे मिल रही है, बातचीत कर रही है और दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपने निवास पर समर्थकों से मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं या फिर जो एक नेता की पैरवी करने के लिए अशोक गहलोत के निवास पर पहुंचे हैं।